बिहार में अगर अहाँक मोबाइल चोरी भऽ जाइत अछि या हरा जाइत अछि तऽ चिंता जुन करू, कियाकि बिहार पुलिस एहिके बरामद कऽ लेत। एहिके लेल बिहार पुलिस ऑपरेशन मुस्कान चला रहल अछि आ कैंप लगा कऽ चोरी आ हरायल मोबाइल के बरामद कऽ ओकर मालिक के लौटायल जा रहल अछि। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो है पुलिस द्वारा लगभग 75 मोबाइल को अलग अलग थाना क्षेत्र से जो मोबाइल गुम हुए थे, चोरी हुए थे या लूट में थे, उसको हम लोगों ने रिकवर किया है। हमारी जो मोबाइल रिकवरी टीम है वो नमस्कार, हमर नाम अछि नीतीश झा, अहाँ सब देख रहल छी मिथिला तक न्यूज़। खुशी के खबर है, ऑपरेशन मुस्कान के तहत मधुबनी पुलिस के आय 75 मोबाइल जे इससे पहले या तो चोरी भऽ गेल छलैया या ककरो से छीन लेल गेल छलैया, ओकरा जे ओकर हकदार छलखिन हैं हुनका देल गेलनि मधुबनी पुलिस के अगुवाई में। SP सुशील कुमार के उपस्थिति में लगभग 17 लाख मूल्य के 75 मोबाइल ओकर जे धारक छलखिन हैं हुनका सौंपल गेलनि। ई मोबाइल ओहन छलै जे या तो चोरी भऽ गेल छलै या हेरा गेल छलै। मोबाइल धारक इस संबंध में सन्हा या प्राथमिकी पूर्व में दर्ज करवेने छलैत है। इमे एकटा एहनो व्यक्ति छलैत है जिनका लगभग 8 वर्ष के बाद मोबाइल भेटलनि। मौका पर सदर SDPO, नगर थाना अध्यक्ष मधुबनी और लोगों की उपस्थिति देखल गेल। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो है मधुबनी पुलिस द्वारा लगभग 75 मोबाइल को अलग अलग थाना क्षेत्र से जो मोबाइल गुम हुए थे, चोरी हुए थे या लूट में थे, उसको हम लोगों ने रिकवर किया है। हमारी जो मोबाइल रिकवरी टीम है वो लगातार इस पर काम कर रही थी, अलग अलग थाना क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्ष इस पर काम कर रहे थे और उस प्रयास के तहत 75 मोबाइल को हम लोगों ने रिकवर किया अभी तक में, जिसका लगभग अनुमानित मूल्य 17 लाख रुपये के आसपास है। इसको हम लोग अभी जो है एक छोटा सा कार्यक्रम करके अभी कर ही रहे हैं, जिसमें जितने भी मोबाइल धारक हैं इसके उनको हम लोग सुपुर्द करेंगे। और ये जो ऑपरेशन मुस्कान है पूरे बिहार में चल रहा है और इसको हम लोग लगातार, एक हमारी अलग से एक मोबाइल रिकवरी टीम है जो टेक्निकल सेल में बैठ कर काम करती है, लगातार जो भी मोबाइल चोरी होता है या गुम होता है उसको ट्रैक करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो ये आगे भी चलता रहेगा और इसमें लोगों से अनुरोध है कि अगर किसी का मोबाइल खोता है या चोरी होता है तो उसको संबंधित थाना में अपना सनहा या FIR जरूर दर्ज करवाए ताकि उसको हम लोगों को रिकवर करने में आसानी हो सके। तो ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है हमारी पूरी की टीम के द्वारा, सराहनीय कार्य है। और मैं हम लोग आशा आप लोगों को ये पूरी तरीके से आश्वस्त करते हैं कि ये जो कार्यक्रम है, ये जो रिकवरी का काम है वो हम लोग लगातार करते रहेंगे आगे। नहीं नहीं, ये जैसे कि ज़्यादातर जो मोबाइल है वैसे हैं जो लोगों का गुम हो गए हैं, कहीं पे गिर गए, छूट गया, वैसे ज़्यादातर मोबाइल, और इसको कोई और यूज़ कर रहा था जो कि अनजाने में कहीं से खरीद लिया जैसे या उसको मिल गया तो उसने खुद यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, तो उसको हम लोग जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है करते हुए ये जो उसके मोबाइल धारक हैं ओरिजिनल उनको हम लोग अभी सौंपेंगे। किए गए मोबाइल जो खरीदते हैं उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी इस तरह का गैंग है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे।